आइए अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि रुझान से एक बड़ी तस्वीर तो अब साफ हो ही गई है। सबसे पहले पटेल फैक्टर की बात करते हैं। पाटीदार आंदोलन जो इतना उभरा, इतना बड़ा हुआ, पटेल फैक्टर ने आखिर किसे कितना नुकसान पहुंचाया? हार्दिक पटेल, पटेल फैक्टर की बात करें तो 21 सीट पर बीजेपी आगे और कांग्रेस प्लस 16 पर आगे। तो ये बताइए, पटेल फैक्टर का फिर क्या फायदा हुआ कांग्रेस को, अगर 21 पर बीजेपी आगे है तो? पटेल फैक्टर को थोड़ा विश्लेषणात्मक रूप से समझने की जरूरत है। सौराष्ट्र में खोडल धाम पटेलों का एक बहुत बड़ा केंद्र है, खोडल माता का मंदिर है वहाँ पर, और नरेश पटेल वहाँ के मुख्य ट्रस्टी हैं। कहा यह गया, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी और कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पटेल को सपोर्ट करेंगे। पटेल कैंडिडेट कांग्रेस में होगा तो हम सपोर्ट करेंगे, पटेल कैंडिडेट अगर बीजेपी में होगा तब हम सपोर्ट करेंगे। और जहां पटेल पटेल सामने थे तो उन्होंने ये देखा कि खोडल धाम के साथ कौन जुड़ा हुआ है। अच्छा, पटेलों में दो मुख्य अगर धाराएं देखी जाएं, एक लेवा पटेल है और एक कड़वा पटेल है। खोडल धाम की स्थापना मुख्य रूप से लेवा पटेलों ने किया, मगर बाद में कड़वा पटेल उससे ऐड होते गए। अब इसमें एक बात और मैं बता रहा हूँ, देखिए बीजेपी के अपने समर्थित कुछ पटेल मत हैं, इसी तरह से कुछ कमिटेड वोट कांग्रेस के भी हैं, मगर जो मार्जिनल पटेल वोट्स थे उन्होंने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया। तो एक भयंकर पटेल का गुस्सा जो कहा जा रहा था वो हमें कहीं नहीं दिख रहा है। जहाँ पटेल वोटर्स ज्यादा हैं वहाँ बीजेपी जीत रही है, यही हकीकत है। महसाणा, जूनागढ़ और अमरेली और सोमनाथ, ये चार जिले में जो भी कांग्रेस को फायदा हो रहा है, मुझे लगता है वो सीधा पाटीदार फैक्टर की इफेक्ट है। दूसरा, हार्दिक पटेल का जो आंदोलन, उसको सिर्फ पटेल आंदोलन के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसको गुजरात का जो युवा वर्ग है उसके मुद्दे उसने आगे लिया है। बात बताइए मुझे निखिल मद्रासी जी, 37 में से तकरीबन हम कह रहे हैं 21 सीटें बीजेपी जीत रही है, जो पटेल फैक्टर की 37 सीट है, अगर 21 बीजेपी जीत रही है तो कहां गया पाटीदार समुदाय का गुस्सा? पाटीदार समुदाय का गुस्सा तो था, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो रहा है। लेकिन जो मार्जिन होगा वो बहुत कम हो जाएगा। पहले जो पाटीदार प्रभुत्व वाली सीट थी वो 50,000 से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वो सीधा कम होके 10-15-20,000 पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम जरा रैलीज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रैली राहुल गांधी ने भी की और प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। मोदी रैली का फैक्टर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं तो जरा मोदी रैली के फैक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करें। बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर, वहां पर जहां पर मोदी रैली हुई, तो ये साहब टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी। हम ब्रांड मोदी की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े आप देखिए 1917 मोदी रैली वाले फैक्टर पे। मैं स्पष्ट मानता हूं कि लास्ट दो दिन में मतदान के वलन में ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं हम अपनी अवधारणा निकालते हैं, लेकिन मतदान ने जो तय किया है वो तय करके पहले से ही उसने वोट देने के लिए तय। हम ब्रांड मोदी की बात नहीं जी कर रहे हैं, लेकिन जहां मोदी ने रैली की वहां कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है, 19 पर बीजेपी आगे, 17 पर कांग्रेस आगे। जी बिल्कुल, जहां जहां मोदी जी ने रैली की, ये शायद 2017 में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि बहुत सारी सैकड़ों कुर्सियां आपको खाली नजर आ रही है, 10,000 या 9,000 इतनी ही पब्लिक का टर्नआउट। एक वो भी रहा, एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा अनुराग, की 19 सीटों पर बीजेपी आगे, 17 पर कांग्रेस, वो सीटें जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। एक सवाल है संजय जी, जहां मोदी ने रैली की या जहां पटेल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस भी डबल डिजिट में है। नहीं, अगर ऐसा होता कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण देने से सारी की सारी जनता प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी को वोट दे देती, तब तो वो हर विधानसभा क्षेत्र में भाषण दे देते और सारे के सारे 182 जीत जाते। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक नेता किसी क्षेत्र में जाके भाषण दिए और उनके भाषण से जनता इतनी प्रभावित हो गई कि सारे लोगों ने उनको वोट दे दिया। वैसी चीजें नजर आ रही है कि ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।